गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह और यहाँ पर मैं आपको सामान आधारित विषय में कई तरह की योजनाएं मैंने आपको दिखाई हैं। तो उसमें एक योजना ये भी है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का निर्माण हम लोग पढ़ते ही हैं। तो ये जन औषधि में होता क्या है, जिसको एक ब्रांडेड दवा होती है, एक नॉन ब्रांडेड होती है। तो नॉन ब्रांडेड में साल्ट का नाम बेचा जाता है। जैसे आप गेहूं बेचते हैं गांव में, आपका गेहूं का कोई ब्रांड तो है नहीं, लेकिन अगर उसी गेहूं को हमने उठा के अपने पैक में और टाटा नाम दे दिया तो टाटा गेहूं हो जाएगा, तो उसका दाम अधिक हो जाएगा। और अगर सीधे आपसे हमने ले लिया तो वो चीज़ हमें सस्ती पड़ जाएगी। तो इसलिए भारतीय जीवन औषधि परियोजना में आपको दवा जो है, जैसे पैरासीटामॉल अगर आप बाज़ार में 1 रुपये का ले रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ लगभग 50 पैसे की या सब 40 पैसे की, इस रेशियो से आप मतलब मिलेगी। 100 रुपये की चीज़ आपको करीब मान के चलिए कि 20-30 रुपये तक भी मिल सकती है, 40 रुपये तक मिल सकती है, 30-40 रुपये तक। तो ये बहुत अच्छी परियोजना है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में भी काम किया हूँ, तो आपके साथ इसको पार्ट टाइम मैंने काम किया है और एक कंपनी का मैं सेनेट भी रहा हूँ, और सारी चीज़ें आप पढ़ाते हुए भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं आप, और हर चीज़ आप संभव है। तो उससे इसलिए मैं इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूँ। कभी भी जिला अस्पताल जाएं या कहीं जाएं, तो भारतीय जन औषधि को आप इस जगह से दवा जरूर लें, और इसमें आप एक बार आएं और एक बार दो दुकानों से एक ही दवा उसका साल्ट देखिएगा, नाम मत देखिएगा, टाटा मत देखिएगा, उसके ऊपर जो लिखा होगा पैरासीटामॉल उसको पढ़िएगा, नीचे मत पढ़िएगा कि जैसे पैरा डाम पैरा।